ये है बॉलीवुड हाउस। जी हाँ, रोडीज विनर विकास खोखर ने खास बॉलीवुड सेलेब्स के लिए खोला है बीबी हाउस। अरे आप कंफ्यूज मत होइए, ये कोई बिग बॉस हाउस नहीं है, बल्कि ये है बॉलीवुड हाउस। अब इस बॉलीवुड हाउस को लॉन्च करने का मकसद क्या है, आइए सीधे चलते हैं रोडीज विनर विकास खोखर के पास, जिन्होंने माया नगरी मुंबई में खोला है बॉलीवुड हाउस। और ये हमारी बॉलीवुड की एक, मैं इसको बोलता हूँ बॉलीवुड स्ट्रीट। तो आपने इरफान खान के बर्थडे पर, इरफान खान के बर्थडे पर मैंने उनको एक प्रेजेंट दिया, उनका एक पोर्ट्रेट बनवाया था यहाँ पे लगाने के लिए, क्योंकि ये बॉलीवुड हाउस है तो यहाँ पर जो सारे एक्टर्स हैं वो आएंगे रहेंगे। तो एक हमारे हिंदुस्तान के शायद सबसे बड़े नहीं तो लेकिन बड़े लोगों में सबसे महान एक एक्टर और एक कलाकार थे। और ये कुछ महान कलाकार जो हमारे पिछले राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, इन सब की भी हैं, कुछ मोटिवेशनल कोट्स हैं यहाँ पर जो एक एक्टर को हमेशा मोटिवेट करेंगे। तो ये थीम थी कि एक एक्टर को हमेशा एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, जब तक वो मोटिवेट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है उसकी लाइफ में। सो उनके लिए मैंने यहाँ पर 3 रूम्स बनाए हैं और एक ये को लिविंग स्पेस है, यहाँ पर बैठ के वो बातें कर सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। तो आप एक्टिंग आपने छोड़ दी है? नहीं, अब आप नहीं, नहीं। हाँ। एक्टिंग नहीं छोड़ी है मैंने। हाँ। और एक्टिंग छोड़ने का कोई मेरे जहन में ख्याल भी नहीं है, लेकिन जब से कोरोना के अंदर बॉम्बे में शूटिंग बंद हुई है तब से हजारों एक्टर जो है वो वापस चले गए, क्योंकि यहाँ पर लिविंग और स्टैंडर्ड शायद हर किसी शहर से 4 गुना ज़्यादा है। तो एक साइड बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है, तो साइड बिजनेस भी होता है और लोगों की मदद भी होती है। चलिए दिखाइए आप अपना रेस्टोरेंट हमको। ये मैंने आपको दिखाया, ये स्पेस है यहाँ पर। हमारे अवार्ड्स जो होते हैं फिल्मों के, उनके ऊपर है। ये स्टार डस्ट रूम है जो सबसे लो कैटेगरी है यहाँ पर। यहाँ पर बंक बेड सिस्टम है, अगर किसी बच्चे के पास एक दिन के 500 रुपये हैं, सिर्फ 500 रुपये वो यहाँ पर रह सकता है। एसी रूम मिलेगा, उसको कोई बिल नहीं देना है, ना एसी का, ना वाईफाई का, ना केबल का, ना ऑडिशन का। नीचे उसके लिए ऑडिशन भी फ्री रखे जाएंगे अगर उसको अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करना है। सबके अलग बेड है, सबको अलग मिलेगा। अटैच रूम है और बाथरूम में उनके लिए खास, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, ये जकूजी, स्पा और स्टीम एक साथ है। ये सबके लॉकर्स है यहाँ पर अलग अलग, जितने भी बच्चे यहाँ पर रहेंगे उनके सेपरेट लॉकर है यहाँ पर। अपना फिल्म फेयर रूम है, फिल्म फेयर रूम स्टार में से थोड़ा सा ऊपर आता है। यहाँ पे 4 लोगों के रहने का स्पेस है। अभी एक मेरे है यहाँ पे जो एक्टर है वो सो रहे हैं, ये शाहरुख खान है, सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर जिन्होंने जीते हैं आज तक। तो ये ऑस्कर रूम है जहाँ पर 3 लोगों की शेयरिंग है जिनके पास थोड़ा, ये थोड़ा सा बिग बॉस या रोडीज हाउस जैसा लग रहा है, आपने वहाँ से कॉन्सेप्ट लिया है? नहीं, बिग बॉस रोडीज हाउस जैसा नहीं है, बट हाँ ये बॉलीवुड हाउस है जहाँ पर सब एक्टर्स एक साथ रहेंगे, वो छोटा एक्टर हो, बड़ा एक्टर हो, नया एक्टर हो, बॉम्बे आने के बाद। हमारे लिए यहाँ पे वर्किंग स्पेस भी है। अच्छा, वर्किंग स्पेस है। हाँ, आप बैठ सकते हैं अपने लैपटॉप के साथ, फ्री वाईफाई है, फ्री वाईफाई है। ये मोबाइल कैमरा लगाओ और ऑडिशन करो। छोटी छोटी चेयर रखी है, कंफर्टेबल है, कुर्सी है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेती है पर बैठने में बहुत कंफर्टेबल है। वर्कशॉप, अगर ये वर्कशॉप रूम है यहाँ पे आप डांस क्लासेस ले सकते हैं, अपना प्राइवेट टीचर हायर कीजिए यहाँ पर, अपनी अपने घर के अंदर, लोगों को बाहर जाना पड़ता है डांस क्लासेस के लिए, आपको घर के अंदर डांस क्लासेस मिलेंगी। यहाँ पर आपकी अपनी एक्टिंग वर्कशॉप चल सकती है, अगर आपको मोनोलॉग तैयार करना है शीशे के सामने तो वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। ये ऑफिस है आपका? हाँ, ये ऑफिस है मेरा और ये रूटीन बार सेक्शन है जो लोग अभी खाली है, नया खुला है। हाँ, अभी नया खुला खाली है, इसको भरना जरूरी है, अभी जल्दी भरेंगे। ये हमारा किचन सेगमेंट है, ये हमारा ऑफिस है, ये मीटिंग रूम है। को डिजाइन कैसे किया आपने, एकदम बॉलीवुड स्टाइल? बॉलीवुड की हुई और यहाँ पर आप बैठ के कॉफी, चाय सब पी सकते हैं। ये वर्क फ्रॉम होम आजकल चलता है तो लोग घर पर बोर हो जाते हैं, उनके पास जगह नहीं होती काम करने की, तो ये स्पेस बनाया है। यहाँ पर आपके चार्जिंग पॉइंट्स हैं, 2-6 चार्जिंग पॉइंट है, 6 लोगों की सिटिंग है यहाँ पे बैठ के, फ्री वाईफाई है, आप अपना काम कीजिए, वाईफाई के मजे लीजिए और साथ में कॉफी का आनंद। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि सब कुछ आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिलेगा, थाली, कॉफी, पराठा, मैगी, जो भी आप खाना चाहें।
एक्टिंग का क्या, जिसके लिए आप बॉम्बे आए थे, इतना बड़ा सपना आपका? एक्टिंग में मेरा जो सपना था वो बिग बॉस में जाने का था, तो मैं 2-3 साल से ट्राई भी कर रहा था बट उसमें किसी वजह से नहीं जा पाया। तो अभी एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया है ऑल्ट बालाजी के ऊपर, एक बहुत बड़े लीकर किंग के यूपी के, जिनके राजा सीरीज बन रही है, मोंटी चड्डा जो मर गए हैं, एनकाउंटर हुआ था उनके ऊपर, एक वेब सीरीज बना रहे हैं ऑल्ट बालाजी, उसमें मोंटी चड्डा के जो बड़े बेटे हैं उसका मैंने ऑडिशन दिया। ओके, चलिए, तो हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। बाहर भी है ये गुरुदत्त है, आपके पड़ोसी भी सेलिब्रिटी हैं, कौन कौन रहता है आपके आसपास, बताइए जरा। सुनीत सर हैं शायद, आगे रहते हैं, मैंने आज ही देखा, उनको इनवाइट भी किया अपने यहाँ पे कि सर आप एक बार आइए और कुछ कॉफी या कुछ भी आप ट्राई कीजिए। सलमा आगा रहती हैं, सलमा आगा हैं, ये इवन ये बंगलो, ये जो फिरोज खान जो फरदीन खान के पिताजी, ये उनका बंगला था, ये असरानी का बंगला, असरानी साहब है ये, और ये आगे वाले भी, स्मृति ईरानी यहाँ पे रहती हैं, यहाँ पे अमर उपाध्याय, सॉरी अमर उपाध्याय रहते हैं आप बगल में, करण रहता है, करण सिंह ग्रोवर रहता है, भारती रहती हैं ऐसे तो, सनी लियोनी रहती हैं, भारती, सनी लियोनी और शेखर सुमन रहते हैं। हाँ, उसमें आगे वाली बिल्डिंग में बहुत सारे बड़े महिमा चौधरी रहती है, जूही चावला का भी घर है उसमें, जूही चावला ने भी लिया है, तो ये फिल्मी गली है, अदनान सामी, कूल, तो उन्हीं के पूरी बॉलीवुड के लिए और बॉलीवुड हाउस बनाया गया, कूल, ठीक है, बिग बॉस हाउस लग रहा है तो, बीबी हाउस, हाँ, बिग बॉस हाउस, मेरा सपना था बिग बॉस में जाने का, ठीक है। अच्छा, बिग बॉस हाउस नहीं जा पाए तो खुद का बिग बॉस हाउस बना लिया, हाउस नहीं जा पाए तो खुद का बिग बॉस तो बिग बॉस होगा आपके इस रेस्टोरेंट और कम होम स्टे में, हाँ जरूर बिग बॉस भी खेलेंगे, अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया जहाँ पर उन्होंने बोला कि हम यहाँ शूट करेंगे तो शूट के लिए भी मैं दे सकता हूँ, अगर किसी को ऐसा शूट के लिए लोकेशन चाहिए जहाँ पर एक साथ लोग रहें और बिग बॉस टाइप कोई शो बनाना चाहें, कूल, चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस रेस्टोरेंट के लिए। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और यहाँ पे आके हमारा इंटरव्यू दिया, थैंक यू।